इस तरह के होर वीडियोज़ वेखण लई सबसक्राइब बटन ते बैल आइकन उत्ते क्लिक करो। पंद्रह साल दी सी माँ दे कोल आई सी, सोलह साल दी होई माँ बन गई, सतारवां साल होया फिर माँ बन गई, सोलहवें साल दे विच बेटी होई घर वाले ने मार दित्ती तां कि उह शराबी सी। अज मैं बन गई मनजीत कौर एंबूलेंस ड्राइवर जलंधर वाली। बचपन सी, बचपन दे विच बहुत वधिया सी जिंदगी मेरी, घर दे विच भैण भरा माँ प्यो सारे सी। पंद्रह साल दी उम्र होई मनजीत ब्याही गई, घर वाला शराबी मिल गया, घर वाले दा भरा कमला, भैण कमली, कमलियां दे विच व्याया गया मनजीत नूं। पता नहीं सी कि मैनू मैं इस मोड़ ते आ जाऊंगी अज। घर वाला शराबी इन्ना कुछ सी कि जिन्हें सारा कुछ ही वेच दिता, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं छड्डिया, इत्थों तक कि मनजीत नूं भी वेच दिता सी। 200 रुपए दे विच मनजीत भी वेचती, मनजीत बची अपने आप बलबूते ते बची। सारा कुछ विकन दे बावजूद मनजीत जलंधर आ गई। जलंधर आण के एक नवी शुरुआत कीती, कोल बेटा सी, बेटियां तो बाद च बेटा होया, जिंदगी दा एक सुपना होया कि मैं सुपना साकार करांगी, अपने बेटे नूं कामयाब करांगी। किद्दां करांगी, घर दे विच कुछ नहीं सी, किसे दा साथ नहीं सी, मैं अपना बेटा लैके जलंधर आ गई। इत्थे आण के मैं लोगों के घर झाड़ू पोचे भी किते, मैं लोगों का काम भी किया। फिर मैनू एक गड्डी दिसी, गड्डी मैनू कित्थों दिसी, मैं छोटी हुंदी मैनू शौक सी, एक ड्राइवरी का शौक सी, अपने भरावां दे नाल ट्रैक्टर चलाना, सैकल चलाना बड़ा वधिया लगता सी मैनू। तुहानूं दस्सिया मैं इत्थे कि मेरा घर वाला शराबी सी, जदों शराबी सी मैं अपनी कदे घर सहुरिआं दे रहिंदी सी, घर वाला कुटदा सी, अपनी माँ को जांदी सी, माँ को जांदी सी, माँ बीमार रहिंदी सी, उन्हां नूं लै के असीं होस्पिटल जांदे सी, माँ मेरे नाल ज़्यादा प्यार करदी सी, मैं छोटी सी, उन्हां नूं एंबूलेंस दे विच लै के आउंदे सी, जदों देखदे हुंदे सी कि एंबूलेंस चलदी किन्नी सोहणी लगदी है, सारे रस्ते मिलदे आ, सारा कुछ मिलदा है, शौक जग गया एक मन दे विच कि मैं सीट ते बहवांगी मैनूं किन्ना सोहणा लगेगा, पर मैनूं नहीं सी पता कि मेरी किस्मत जिहड़ी मैनूं इत्थे लैएगी। उस तों बाद एक शौक सी ड्राइवरी दा जिहड़ा, फिर मैं इत्थे आई जलंधर दे विच, इत्थे आण के कवाड़ दे विच गड्डी कूड़े दे विच पई गड्डी मैं एक देखी, फिर दोबारे शौक जग गया कि मैं लोगों के घर झाड़ू पोचे करके मैं अपने बेटे का पालन पोषण नहीं कर सकती। वो मैं गड्डी वालियां नूं पुछया, कूड़े चू गड्डी सी, दस्या उन्होंने कि इन्ने दी मिलेगी, मैं अपने पैसे जोड़ के झाड़ू पोचे करके मैं गड्डी दे पैसे दिते, मैं उन्हूं एंबूलेंस बनाने की कोशिश की, 20,000 दे विच मैं गड्डी लई, गड्डी लैके फिर मैं उन्हूं तैयार किया। फिर जिहड़ा मेरी माँ नूं लैके आउंदा सी, मेरी माँ ने मूँह बोलिया बेटा बनाया सी, अपने बेटे मेरी माँ दे नहीं बने, मूँह बोलिया बेटा बनाया सी उन्हां ने, उन्हें फिर मैनू वो गड्डी जिहड़ी तैयार करा के दित्ती। प्रॉब्लम आउण लग गई कि गड्डी जनानी किद्दां चलाएगी, लेडीज़ किद्दां चलाएगी, भरा मेरा कहण लगा चला लेंगी, मैं कहा कोई गल नहीं चला लाँगी, यह कि वड्डी गल आ, कोई एड्डी खास नहीं आ। कोशिश की, गड्डी दी सीट ते बैठी भी, चलाई भी, पहले दिन मैनू की मिलिया, एक डेड बॉडी मिली। किदी मिली? एक माँ दी, उस माँ दी जिहदियां 3 बेटियां सी, जिहड़ियां बड़ियां रोण कर लाण डईयां सी। उस वेले मैनू अपनी माँ याद आई कि मेरी भी माँ सी, मैं भी उन्हूं इदां ही लैके आउंदी सी। मैं रोण लग गई उन्हां नूं देख के, जिसने मैनू गड्डी सिखाई सी मेरे भरा ने, उहदी मैनू कॉल आई, कहण लगा की करनी है, मैं कहा मैं गड्डी चलानी आ, तां कहिंदा रोंदी कातूं है, मैं कहा वीरे उहदी माँ मर गई उहनां दी, कहिंदे कोई गल नहीं तूं आ जा छड्ड के फिर मैं देखदा वां। मैं वापसी ते आई, डेड बॉडी ला के मैं वापसी ते आई, मेरा वीरा मैनू मिलिया, उहने मैनू कुछ नहीं पुछया, उहने खिच के मेरे मूँह ते चपेड़ मारी जोर नाल। मैं कहा वीरे मैं तो पैसे कमा के लियाई हाँ, तो तूं मेरे मूँह ते चपेड़ मारी है? कहिंदा चपेड़ तेरी इस गल दी है, जां तूं गड्डी चला लै ते जां बह के माँ नूं चेते करके रो लै। मैं उस तों बाद अपना पिछा भौंके नहीं देखिया, मेरा मन पत्थर हो गया, मैनू रोण नहीं आया। उस तों बाद इदां दे हालात मेरे हो गए कि मैं गड्डी चलांदी रही, चलांदी रही, गड्डी चलांदिया मैनू कई मुश्किलां आईयां। पहली मुश्किल मैनू आई
कि पुलिस मुलाजम मेरे नाल बैठा, रात का टाइम, बरसात पूरे जोरां ते, डेड बॉडी लैके दूर जानी सी, कोई एक्सीडेंट सी किसी मुलाजम का, एक गड्डी मेरे पिछे पुलिस की भरी, एक मेरे अगे, एक मुलाजम मेरे नाल बैठा है। लोग कहिंदे ने सुरक्षा करदी पुलिस हर किसी की, पर मेरी नहीं की। मेरे ना बैठे मुलाजम ने उन्हें इन्नी गंदी हरकत की कि मैं अज भी वो सोचनी हाँ तो मेरा दिमाग पागल हो जाता जदों मैं सोचनी हाँ। थोड़ा टाइम लंघिया, मैं क्या शायद शहर तो बाहर जाके टाइम मेरा निकल जाएगा, नहीं हरकत करेगा, पर वो इंसान इन्ना गंदा निकलिया मैं सोच नहीं सी सकती। वो नहीं हटिया, जदों वो नहीं हटिया उस तो बाद मैं गड्डी बाहर शहरों ला के विच रोड ते गड्डी खड़ी की, अगे वाली गड्डी निकल गई, पिछे वाली रुकी रही। मुलाजम आए, उन्हें हिम्मत नहीं पई कि एक लेडीज बाहर निकली, इन्हें पुलिस वाले नू कॉलर तो फड़िया और क्यों उन्होंने धड़ां धड़ मारी जान रही है। उन्होंने मैंने पूछा तुसी क्यों मारदे हो, मैं कहा अगर तुहाडी माँ इत्थे जां भैण बैठी हुंदी ना अज वह भी इस तरह ही मारदी जिस तरह मैं मारन रही हाँ। मैं उसनू कॉलर तो फड़िया, अपनी गड्डी दे विच जो भी मेरे को हथियार सी मारे, दणा दण मारियां जिन्नियां भी सी। मैनू उस वेले खौफ नहीं आया कि मैं एक मुलाजम नू कुटन रही हाँ, मैनू अपने आप ते आया कि मैं एक जनानी हाँ, मैनू जनानी करके अज इन्हें टॉर्चर किया है, इहदा मैनू दसांगी कि जनानी चीज़ की आ। मैं नहीं डरी, मैं उन्होंने पुलिस मुलाजमान यह कहा कि जां एक डेड बॉडी नहीं लैके जावगी, मैं दो जावगी नहीं तो मैं एक भी नहीं लैके जावगी। मुलाजमान ने कहा मैडम नहीं इदा नहीं तुसी करो, तुसी आ बॉडी सानू जिथे लैके जाना पहुँचा दो, असी इनू बाहर कढ लैने। इत्थे मैं कहांगी सारिया नू, घर वालिया ने विआया शराबी दे लड़ लाया, पुलिस वाले का एक साथ सी नाल बैठा, उन्हें भी मेरे ते गलत हरकत की, घर वाले ने वेचिया, पेकिया ने छदाइया दे लड़ लाता, किसी का कोई आसरा नहीं ना कोई किसी नू साथ दिंदा ही आ। उस तो बाद कुछ इदां दे वाकिया जिहड़े मैनू अज भी याद ने, मैनू जिंदगी दे विच कदी भी नहीं भुल सकते। एक रात मैनू फोन आया, ढाई तीन का करीब टाइम सी, एक्सीडेंट होया, पेशेंट लैके आने आ। पेशेंट लैके आई मैं तीन, तिना दे विचों एक एक्सपायर हो गए जलंधर आंदे, दोनों मैं जलंधर छड्डिया, लुधियाने लैके गई। लुधियाने जाके मैं DMC की देखिया, उत्थे प्रेस मीडिया इन्नी पब्लिक, मैं सोचिया पता नहीं कौन है। जदों मैं उत्तर लगी तो कहन लगे जसपाल भट्टी का बेटा है। मैं चौंक गई कि मैं भट्टी साहब के बेटे नू लैके आई हाँ, जसराज जी और सुरीली जी मेरे नाल सी। रस्ते विच मैनू कॉल आई, हजे मैं उन्होंने उतारिया नहीं सी, प्रोड्यूसर साहब की कॉल आई कि मनजीत जी तुसीं कद तक जलंधर पहुँच दिओ। मैं कहा जी मैं आ रही हाँ, वेट करो। मैं आई, मैं उत्थे आई पहुँची, प्रोड्यूसर साहब नू पुछिया, जिन्हें सी एंबूलेंस वाले सारे खड़े कि असी लैके जावांगे, असी लैके जावांगे। मेरी गड्डी भी छोटी सी पर फिर भी मैनू उन्होंने इस काबल समझिया। पर मैं इत्थे ये नहीं कहांगी कि मैं इस काबल सी, मैं उत्थे उदू काबल समझदी जे मैं भट्टी साहब नू जिंदा लैके जांदी। उन्हां दी वर्डिंग की सी, इन्हां नू जन्म देण वाली भी मनजीत कौर ही सी, इन्हां नू लाश छड्डण वाली भी मनजीत कौर ही होएगी। मैं उन्होंने चंडीगढ़ छड़ के आई। मैं कोई मैडिकल लैन की नहीं हाँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हाँ, मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हाँ, मैं एक सिर्फ ड्राइवर हाँ अपनी रोटी खातर, रोटी कमाण खातर कि मैं रोटी कमानी है। मैं इत्थे ये गल कहनी हाँ सारिया नू, कोई भी काम जिहड़ा औरत नहीं कर सकती सारे ही कर सकती आ। अज मेरा नाँ है मनजीत कौर, एंबूलेंस ड्राइवर जलंधर की मशहूर, ना कि इंडिया की मशहूर हाँ। मैं जदों मैं गड्डी चलाने लगी सी उदू इंडिया दे विच कोई एंबूलेंस नहीं सी चलांदा, रिकॉर्ड सी मेरा कि मैं एंबूलेंस चलानी हाँ। और जदों मैं एंबूलेंस चलांदी सी मेरा रिकॉर्ड रहा लुधियाने का, चंडीगढ़ का मेरा रिकॉर्ड रहा, मैं सब तो फास्ट गड्डी लैके जानी हाँ। मैं मालक उड़ डर के उस वेले मेरे वास्ते पेशेंट जिहड़ा मेरी जिंदगी हुंदी है, मेरी अपनी जिंदगी कुछ नहीं हुंदी। पर साडे अज दे पंजाब इंडिया दे विच औरतां नू कहिंदे औरत कुछ नहीं कर सकती, क्यों क्यों नहीं कर सकती, सारा कुछ कर सकती है। हिम्मत होनी चाहिए बंदे दे विच, हिम्मत दे नाल सारा कुछ ही हो जाता है, क्यों नहीं हुंदा। मैं इत्थे माँ बाप नू भी ये गल कहनी चाहवांगी कि अपने बच्चियां नू धियां पुत बराबर हुंदे ने, उन्हां नू बराबर का हिस्सा दिओ। धियां किसे दियां मुहताज ना होण, धियां किसे दियां गुलाम ना होण। अज दियां धियां कल दी रोशनाई है, इन्हां धियां नू कामयाब बनाओ, ना कि धियां नू खुद भी कामयाब होना चाहिए
ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਬਈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਾਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਪਾਉ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।